ऐसे धक्का लगा रहे हैं गाड़ी में यार। इनका तो पूरा ट्रिप बेकार हो गया, इनकी गाड़ी ख़राब हो गई। ट्रिप यार ख़राब होने में ना मिनट लगता है यार। बहुत ज़्यादा भाई ढलान है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत। ओए होए गाइस देख रहे हो क्या मस्त लीन हो रही है यार गाड़ी भाई। अब आया मजा यार नीलकंठ से उतरने में। नहीं तो सच्ची बता रहा हूँ, जाने में तो इतनी हालत ख़राब थी, मन रो रहा था। एक बारी को तो 1% मैंने गाड़ी रोक के इनफैक्ट यू टर्न तक ले लिया कि आयुष नहीं हो पाएगा, चल भाई घर। बहुत ज़्यादा स्टीप है क्योंकि लोकेशन थोड़ा सा आगे आ गया हूँ मैं मंदिर से। ज़रा एक बार ये लोकेशन देखो यार, अगर आपको दिख रही हो कैमरे में ठीक तरीके से, तो यार देख रहे हो। एक नंबर भाई। और भाई मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा गाइस, मैं थोड़ा बहुत ही व्लॉग करूँगा क्योंकि आने का मैंने सारा रास्ता कवर कर रखा है। और जो जो पॉइंट नहीं करे थे वही मैं कवर करूँगा, ज़्यादा कवर नहीं करूँगा। बहुत मेहनत लगे यार आज 2 घंटे में तो बाबा के हमारे दर्शन हुए नीलकंठ महाराज के। 2 घंटे में गाइस, 2 घंटे में लाइन, इतनी लंबी लाइन लग रही थी जिसका कोई जवाब नहीं, मैं बता भी नहीं सकता यार। और महंगाई, महंगाई बहुत है गाइस, महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा। निकल चुके अब हम, पहले ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर उसके बाद अब दिल्ली। देखो गाइस वाट तो लगने वाली है, क्या होगा, पर ठीक से घर पहुंच जाए। लगान बहुत है, देख रहे हो बिल्कुल खड़ी नीचे उतराई है, बहुत ज़्यादा स्टीप है यार, बहुत ज़्यादा ढलान है, बहुत ज़्यादा। ये लगाओ गाड़ी फिसलने में ना यार गाइस देर नहीं लगेगी। और यार आपसे एक ये रिक्वेस्ट है भाई, आपके भाई ने मुझे, आप अपना छोटा भाई समझो, बहुत मेहनत कर रही है यार गाइस, बहुत मुश्किलों से यहाँ तक आ पाया हूँ। लोकेशन आपसे बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अपने भाई की मेहनत को यार प्यार दिखाओ, बस एक लाइक करके जाओ, एक अच्छा सा कमेंट करना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और आगे भी हम ऐसे ही आते रहेंगे। बहुत ज़्यादा भाई ढलान है, बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत। बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, अपने भाई को प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और नेक्स्ट राइड मैं जल्दी ही प्लान करूँगा, अगर आप लोगों में से कोई भाई मुझे ज्वाइन करना चाहता तो ज्वाइन कर सकता है। ओए होए गाइस देख रहे हो क्या मस्त लीन हो रही है यार गाड़ी भाई। अब आया मजा यार नीलकंठ से उतरने में। नहीं तो सच्ची बता रहा हूँ, जाने में तो इतनी हालत ख़राब थी, मन रो रहा था। एक बारी को तो 1% मैंने गाड़ी रोक के इनफैक्ट यू टर्न तक ले लिया कि आयुष नहीं हो पाएगा, चल भाई घर। बहुत ज़्यादा स्टीप है क्योंकि देखो मुझे यार गाड़ी से बहुत प्यार है, लेकिन गाइस जब आपको ट्रैवल करते हो तो आपको गाड़ी से प्यार छोड़ना पड़ता है। ये एरिया मैंने कवर नहीं करा था गाइस, देख रहे हो
भाई सच्ची बता रहा हूँ यार, आज दिल खुश हो गया है। देखो नीचे ऐसे ऐसे नीचे जा रहे हैं हम लोग, धीरे 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 धीरे, आप और मैं। एकदम भी इतना नीचे उतरिया है, ऊपर ऊपर थे और एकदम नीचे आ गए गाइस। इतनी स्टीप है, एकदम नीचे है, इतना ढलान है कि जिसका कोई जवाब नहीं। आने में तो गाड़ी यार रो पड़ी थी। और यहाँ से ऋषिकेश है अभी 24 किलोमीटर, उसके बाद हम पहले ऋषिकेश पहुँचते हैं, फिर उसके बाद हम निकलेंगे हरिद्वार, फिर उसके बाद हम निकलेंगे दिल्ली। पता नहीं यार कितने बजे तक पहुँचेंगे, बस जल्दी पहुँच जाए यार। UP 16 अपने गाजियाबाद की गाड़ी, नोएडा। सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों यार, हॉर्न नहीं बज रहे, लाइट नहीं जल रही है, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना गाड़ी से बहुत ज़्यादा यार। लोकेशन चेक करो भाई, अभी हम ऊपर थे वहाँ से आ रहे हैं, देख रहे हो क्या लोकेशन है यार। और जब यहाँ बारिश होती होंगी ना यार तो और प्यारा लगता होगा। हाँ वो एक अलग की चीज़ है, देखो भाई खतरा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन यार मज़ा भी उतना ही आता है यार। इतनी प्यारी लोकेशन लग रही है ना इस समय, बहुत ज़्यादा यार, और बहुत सुंदर लग रहा है, बारिशों में और भी ज़्यादा सुंदर लगता होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और गाइस प्लीज़ यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप मेरे से बातें करना चाहते तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना गाइस, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। लोकेशन चेक करो गाइस, अभी आपका भाई नीलकंठ से उतर चुका है, उतर चुका नहीं है, उतर रहा है। लोकेशन देखो यार गाइस, यार यहाँ हम रुके, अभी बारिश वारिश नहीं हो रही तो इस वजह से यहाँ पानी का बहाव बहुत कम है। तो वो सामने देखो झरना है, बहुत बढ़िया लोकेशन है यार गाइस, कभी फ्री टाइम में आएंगे यहाँ इंजॉय करने। वैसे मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, और मैंने अपना बैग आगे इसलिए टांग लिया गाइस। ये देखो मेरा बैग फट चुका है बुरी तरीके से, इसमें सामान इतना मैंने लाद लिया, इतना भर लिया जिसका कोई जवाब नहीं। और लोकेशन चेक करो गाइस, लोकेशन दिल्ली में नहीं देखने को मिलेगा ये गाइस, देख रहे हो, चेक करो भाई। सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची 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 थका हुआ हूँ, लेकिन बट मूड फ्रेश है एकदम। ऐसी लोकेशन ना यार मैंने अपनी लाइफ में जीवन में देखी, फ़ोटो वीडियोस में बहुत देखी हैं। आने का मन था और आया था हरिद्वार, ऋषिकेश भी घूम लिया, ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव भी घूम आया यार, मेरे जितनी अच्छी लाइफ नहीं होगी यार। और चलो गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना गाइस। भाई अल्टीमेट मज़ा यार, मेरी बाइक ने कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं दिया, लेकिन लॉन्ग ट्रिप पे लॉन्ग राइड पे इसने देखो मेरे को धोखा दे दिया। मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, वो तो शुक्र है स्टार्ट भी हो रही, नहीं तो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी कल तो यार ये एक टाइम बाद। तो फिर मैंने फ्यूज व्यूज इसके छेड़े तो स्टार्ट होने लग गई। घर जाके इसको भी चेक कराना है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, हॉर्न नहीं बज रहे, इंडिकेटर नहीं जल रही, लाइट नहीं जल रहे, देखते हैं गाइस। बाकी आप यार राइड का मजा लो। और बहुत जाम है यार, उतरने उतरने में हमें 2 से 2.5 घंटे लग गए, बहुत जाम लग रहा है जगह जगह पे, इतना जाम है
टूरिस्ट आते हैं तो यार ये भी नहीं देखते कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। बीच रोड पे गाड़ियां लगा लगा के सेल्फियां ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं। यार गाइस ये तो गलत है, आप अपना एंजॉय कर रहे हो, दूसरा को तो कम से कम देख लो कि दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। सामने की लोकेशन चेक करो गाइस। अब बस हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, फिर उसके बाद हम सीधा निकलेंगे हरिद्वार, हरिद्वार के बाद सीधा हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। और ये हम बैराज होते हुए जा रहे हैं हरिद्वार। देख रहे हो गाइस ऐसी ऐसी चट्टाने गिरती हैं ऊपर से, इसलिए यार सच्ची बताऊँ ना बहुत फटती है। और सामने की लोकेशन चेक करो गाइस, होटल देख रहे हो क्या जबरदस्त प्रॉपर्टी बना रखी है यार गाइस। जाम लग रहा है यार, बहुत लंबा जाम है। देख रहे हो गाइस ये रहा हमारा राम झूला, जहाँ से अभी हमें जाने ही जाने में जरा सी देर में 4 घंटे लग गए थे। अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। ये रहा अपना राम झूला और सब। चलो गाइस ये जाम के लिए करो, फिर उसके बाद मिलूंगा आपको। अब हम बैराज होते हुए निकल रहे हैं ना क्योंकि, तो अब ऋषिकेश को हम करते हैं बाय बाय और बैराज, फिर उसके बाद हरिद्वार होते हुए हम निकलेंगे दिल्ली। लेकिन यार लोकेशन ये भी एक नंबर है यार गाइस। मैं कल बाईपास होता हुआ आया था, बाईपास होता हुआ आया था कल, देख रहे हो गाइस लोकेशन चेक कर लो यार। वहाँ की भी लोकेशन ठीक थी लेकिन उससे ज़्यादा लोकेशन ये वाली ठीक है, एक नंबर। मज़ा आ गया यार भाई। चेक करो ये ऋषिकेश को, अब हम बाय बाय कर दो, देख रहे हो। लेकिन यार एक चीज है गाइस, यहाँ पे भी अब बहुत पॉल्यूशन होने लग गया। आप देखो कि सामने के पहाड़ नहीं दिख रहे, इस पॉल्यूशन ने ना पूरे नेचर की ना यार ऐसे तैसे मार के रख दिया यार। पता नहीं ये पॉल्यूशन कैसे कम होगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। धक्का लगा रहे हैं गाड़ी में यार, इनका तो पूरा ट्रिप बेकार हो गया, इनकी गाड़ी खराब हो गई। ट्रिप यार खराब होने में ना मिनट लगता है यार, और प्लान करने में महीनों लग जाते हैं। चेक करो गाइस लोकेशन, उसके बाद आप और मैं हम दोनों इस लोकेशन को बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जल्दी से आना हमारा होगा नहीं। फिर हम यही वीडियोस देखेंगे और बोलेंगे यार कितना अच्छे दिन थे, हमें जो घूमने को मिला हम घूमने गए। चेक करो गाइस चेक करो, एक बार यार अपनी फैमिली को और लाऊंगा यार मैं यहाँ घुमाना यार, मैंने सोच रखा है हम यहाँ घूमने आएंगे, पूरी फैमिली को लेके आऊँगा, मम्मी पापा को लेके आऊँगा। उन्होंने कभी कहीं नहीं घूमने गए यार, उन्होंने पूरा जीवन सिर्फ हमें पालने में लगा दिया।
लोकेशन अल्टीमेट यार, मज़ा आ जाता है। और सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, जो आप लोग वीडियोस देखते हो ना, वो राइड का सिर्फ 10% पार्ट होता है, 90% ना आप नहीं देख पा सकते। और जो सबसे मेन होता है ना फील, और जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो दुख और दर्द होते हैं, जैसे कि आप समझ जाओ पिछवाड़े का दर्द, भाई पिछवाड़ा लाल हो रखा और इतना गंदा दर्द हो रहा है ना गाइस, मैं आपको नहीं बता सकता यार। ओहो क्या लोकेशन है, क्या लोकेशन है यार। ओहो कितने ऊंचे पहाड़ है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक। मात्र 90% आप देख नहीं देख पाते हो, 10% देखते हो। दोस्तों पिछवाड़े का जो दर्द है ना, लाल हो रखा है, मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतना गंदा दर्द हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। और भाई बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अब तो गाड़ी भी चलाई नहीं जा रही। और अभी यहाँ से हमें हरिद्वार जाना है, और हरिद्वार से फिर उसके बाद हमें जाना है दिल्ली। बहुत लंबा सफ़र है, और 3 से 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। कितने सारे लंगूर हैं देख रहे हो भाई, ये चलो। ओए होए बहुत मिस करने वाला हूँ यार मैं इन्हें, इन सब चीज़ों को। ये लोकेशन अल्टीमेट यार गाइस, अल्टीमेट, बहुत मिस करूँगा बहुत ज़्यादा। मुझे पता है मैं जल्दी से नहीं आ पाऊँगा। और सामने के पहाड़ चेक करो गाइस, और अब भी हम भी बहुत अच्छी खासी हाइट पे हैं, और बहुत ऊंचे पे हैं हम लोग भी, ठीक है। भाई बहुत ये लगाओ आड़ा टेढ़ा रास्ता यार दोस्तों, इसे कवर करने में ना हालत ख़राब हो गई। बिल्कुल यू टाइप के मोड़ हैं, जो भी मोड़ आ रहा है बिल्कुल यू टाइप का आ रहा है। इतने गंदे गंदे कट हैं ना यार गाइस, यार क्या बताऊँ, सच्ची बता रहा हूँ डर भी बहुत लग रहा है। और जब मैं ऋषिकेश से नीलकंठ के लिए ऊपर चढ़ा था ना, मेरी हालत ख़राब हो गई थी लिटरली यार दोस्तों, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बाइक लेके आया हूँ। मैं पहले सिर्फ एक बार आया था, कार से आया था, सुबह आए और शाम को हम चले गए, वो भी हरिद्वार सिर्फ। ओहो अल्टीमेट, मैं कह रहा रास्ता क्यों रोक रखा है इन लोगों ने, चेक करो ऋषिकेश हरिद्वार 30 किलोमीटर है भाई, 30 किलोमीटर हरिद्वार। बहुत रात हो जाएगी यार गाइस घर पहुंचते पहुंचते। दिल खुश हो गया यार। और यहाँ पे ये कोई वाटरफॉल है, देखो पानी रोड पे आ रहा नीचे। पीछे है छोटा सा वाटरफॉल झरना, ये ऊपर ग्लेशियर पिघलते तो पानी आता है नीचे।